हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्राक्लास इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन पार्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उन्हीं से हमें उन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करना पड़ता है जो एक इकोनॉमी में रह रहे लोगों को चाहिए होती हैं। सो इसी चीज़ का एक एक्सटेंशन आज हम स्टडी करेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी या फिर पीपीएफ भी बोलते हैं। सो पीपीसी स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ अजम्पशंस हैं जो हम स्टडी करेंगे। सो इसके जो सबसे मेन अजम्पशंस हैं वो हैं टू कॉमोडिटीज ओनली, कि एक इकोनॉमी में हम सिर्फ टू कॉमोडिटीज का ही प्रोडक्शन करेंगे। ऑलराइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है पीपीसी का। देन नेक्स्ट है कि जो ये हम प्रोडक्शन करेंगे इन टू कॉमोडिटीज का, इनके लिए जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो क्या है, लिमिटेड। सो यहां पे सेकंड अजम्पशन इज लिमिटेड रिसोर्सेज, और इन कॉमोडिटीज का प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी मानते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब कि ना कुछ वेस्टेज है और ना कुछ कमी पड़ रही है। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं कि पीपीसी एक्चुअली होता क्या है। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये दो कॉमोडिटीज हैं उनमें से एक है टेबल्स और एक है बंस, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे हम इन दोनों कॉमोडिटीज का ही प्रोडक्शन करेंगे। सो यहां पे हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे। सो हम कॉम्बिनेशंस मान लेते हैं ये सारे। सो देखिए, हो सकता है कि हम सारे रिसोर्सेज से टेबल्स बनाएं और बंस का प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना करें। तो उस केस में मान लीजिए कि हमने 21 टेबल्स बनाई और 0 बंस बनाए। इसके बाद जब हमें बंस का प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता है तो हम टेबल्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। सो जब हमने 1 बन का प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो 1 टेबल का प्रोडक्शन कम हो गया। इसके बाद जब हमने 2 बंस का प्रोडक्शन किया तो यहां से 2 टेबल्स का प्रोडक्शन हमने कम किया। इसके बाद जब 3 बंस का प्रोडक्शन किया, सो 3 टेबल्स को सेक्रीफाइस किया, इसी तरह से ये जो रेशियो है वो इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे 4, 11, 5, 6, एक और मान लेते हैं हम, जहाँ पे हमने सारी रिसोर्सेज से सिर्फ बंस का प्रोडक्शन किया है और टेबल का प्रोडक्शन हो गया है 0। सो देखिए, यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न है जो ये डिसाइड करता है कि पीपीसी की जो शेप है वो किस तरह की होगी। सो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं MOC। सो MOC होता है कि एक यूनिट को गेन करने के लिए हमने दूसरी कॉमोडिटीज की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो गेनिंग रेशियो है वो हमेशा 1 रहेगा और सेक्रीफाइसिंग का इंक्रीज होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हम एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए, एक यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरी कॉमोडिटीज की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं। सो यहाँ पे 1 तो हमेशा फिक्स है कि 1 एक ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसके लिए हमने टेबल्स को कितना सेक्रीफाइस किया वो चेंज होगा। सो देखिए, फर्स्ट पे ये कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। अब देखिए, जब हमने यहां से 1 प्रोडक्शन किया, सो यहाँ पे 1 टेबल का प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ। सो MOC इज 1। इसके बाद जब हमने एक और 1 का प्रोडक्शन किया तो हमने 2 टेबल्स को सेक्रीफाइस किया। इसके बाद देन अगेन प्लस 1, सो इधर हुआ -3, प्लस 1 -4, प्लस 1 -5, प्लस 1 -6। सो ये जो रेशियो है ये इंक्रीज होता है कि पहले 1, देन 2 सेक्रीफाइस किया, देन 3 सेक्रीफाइस किया, 4, 5 एंड फाइनली 6। सो दिस इज MOC। और जब हम इसी चीज को रेशियो में देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं MRT, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहां पे वो कुछ भी नहीं है। अब जो सेकेंड यूनिट है वहां पे देखिए, सो देखिए, जब यहां पे हमने 1 का प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो 1 टेबल को सेक्रीफाइस किया,
देन वन बन के लिए टू टेबल्स को सेक्रीफाइस किया, देन वन बन के लिए थ्री टेबल्स को सेक्रीफाइस किया और ये रेशियो इंक्रीज होता है। सो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। इसी की वजह से जो पीपीसी का शेप होता है वो कनकेव शेप होता है, क्योंकि जो एमआरटी है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग होता है। सो अगर हम इस टेबल को एक डायग्राम पे उतारें, सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे है टेबल्स और इधर है बंस। सो देखिए, फर्स्ट पे जो टेबल है वो एट 21 है, सो ये पॉइंट इधर आएगा क्योंकि बंस क्या है, जीरो है। इसके बाद ये 20 हुआ और ये 1 हुआ, सो ये थोड़ा सा नीचे आएगा और ये थोड़ा आगे जाएगा, तो कुछ इधर पॉइंट आएगा। देन इसी तरह से ये इस तरह से पॉइंट्स आएंगे और जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीपीसी कर्व। सो ये आ जाता है हमारे पास पीपीसी कर्व। अब देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरी कॉमोडिटी को सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ कि पहले हमें वन बन के लिए वन टेबल को सेक्रीफाइस किया, फिर वन बन के लिए टू टेबल्स को। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई क्रिकेटर है, अगर हम उसको बोलेंगे कि आप गाना गाइए, तो वो इतने अच्छे से नहीं गा पाएंगे जितना अच्छे से एक सिंगर गा पाएंगे। सो इसीलिए यही चीज यहां पे भी अप्लाई होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। सो एक रिसोर्सेज जितनी एफिशिएंटली एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करता है उतनी एफिशिएंटली दूसरी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसीलिए जब भी हमें एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ता है तो दूसरी कॉमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। इसी को हम बोलते हैं एमआरटी और ये होता है डिक्रीजिंग, और इसी की वजह से जो पीपीसी का शेप होता है वो कनकेव शेप होता है। और कनकेव इसीलिए क्योंकि ये देखिए ओरिजिन है, ओरिजिन से आप इसको देखेंगे सो ये केव की तरह आपको दिखेगा, सो इसी को हम बोलते हैं कनकेव शेप। अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हम एंड में इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो डेफिनेशन में हमने चीजें इंक्लूड की हैं वो क्यों की हैं। तो पीपीसी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व। सो देखिए कर्व है ये, सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced with limited resources and given technology, कि जो हमारे पास limited resources हैं, given resources and technology हैं, उनको use करके जब हम different goods के, दो goods के different different combinations produce करते हैं, तो उसको जब हम curve पे बनाते हैं, graph पे बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, production possibility curve। So देखिए यहाँ पे अब एक और concept आता है, attainable point and non-attainable point। So, अगर हम बात करें अटेनेबल पॉइंट की, तो वो पॉइंट जो या तो पीपीसी के ऊपर है या फिर पीपीसी के अंदर है। सो ये पॉइंट्स होते हैं अटेनेबल पॉइंट्स। क्यों इनको अटेनेबल इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इन कॉम्बिनेशंस को बना सकें। जबकि अगर हम बात करें अनअटेनेबल पॉइंट्स की, तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जो पीपीसी के बाहर होते हैं, मान लीजिए ये। सो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नहीं है, सो इसी को हम बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि पीपीसी कब शिफ्ट हो सकता है और कब इसमें रोटेशन आ सकती है। सो देखिए, जो पीपीसी होता है उसमें दो तरह की मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, एक होता है शिफ्ट और दूसरा होता है रोटेशन। सो देखिए, शिफ्ट और रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम डायग्राम से ही समझते हैं। मान लीजिए एक इकोनॉमी इस पीपीसी पर ऑपरेट कर रही है, मान लीजिए ये है गुड्स एक्स और ये है गुड वाई। सो ये एक इकोनॉमी का पीपीसी कर्व है जहां पे वो सिर्फ दो कॉमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही है, एक्स एंड वाई। अब देखिए, अगर यहां पे हमने एक असम्पशन माना था कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे।
अब अगर किसी भी वजह से जो रिसोर्सेज हैं ये टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो जाती है तो हम प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड हैं। तो इसीलिए जब भी हमारी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है तो जो ये पीपीसी होती है ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जो यहां पे था वो अब इंक्रीज होके राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। सो दिस इज राइट वर्ड शिफ्ट। सो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में चेंजेस हैं वो दोनों कॉमोडिटीज के लिए हैं। सो ध्यान रखिएगा जो शिफ्ट होता है वो जब ही होता है जब ये जो दोनों कॉमोडिटीज हैं इन दोनों की रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हो। अब इसी तरह से अगर किसी भी कारण से जो हमारे पास रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है वो कम हो जाए, तो मान लीजिए ये था पहले पीपीसी एक्स और वाई का, अब मान लीजिए कि रिसोर्सेज हमारे पास कम हो गए हैं, इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज कम हो गए, मान लीजिए फ्लड आ गई है या फिर बहुत सूखा पड़ गया है, अकाल आ गया है, सो उस केस में क्या होगा, हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो उस केस में प्रोडक्शन भी कम होगा और इसीलिए जो पीपीसी है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। ऑलराइट, सो दिस इज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब हम बात करते हैं रोटेशन की।